हमारा समाज बांट दिया गया है जातियों में, इसको खंड खंड कर दिया गया, क्योंकि नहीं तो एक मजबूत रस्सी की तरह से होता। जैसे रस्सी को आपने देखा होगा, जब आप उसको खोलोगे उसके जो बट चढ़े हुए होते हैं रिंग की तरह से, उसको आप खोलोगे अलग अलग उसके टुकड़े हो जाएंगे और उसको कोई भी तोड़ सकता है पकड़ करके, वो बहुत कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे हिंदुत्व को तोड़ दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, अलग अलग जाति को अलग अलग नजरों से देखा जाने लगा, आपस में ही भाई भाई के दुश्मन हो गए। ये सब हमारी नासमझी के कारण से हुआ, हम फंसते चले गए, लोग इसका फायदा उठाते चले गए। ये वो चीज नहीं जो आप समझ रहे हो। कुछ लोग गीता का भी उदाहरण देते हैं, उनमें भी ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबका जिक्र है। तो जो लेकिन जो नासमझ लोग हैं, कुछ लोग रामचरितमानस में बोलते हैं ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये चारों ताड़न के अधिकारी। ताड़न यानी परखना। शूद्र कौन? जिन्होंने भजन की शुरुआत की है, जिन्होंने संघर्ष अभी शुरू किया है, जन्म से सब शूद्र हैं, जिन्होंने चलना शुरू किया है। ये एक एक श्लोक आपके सामने खोल करके मैं गीता जी के ऊपर लिख रहा हूं। जब एक एक श्लोक आपके सामने खोल करके लिखूंगा कि अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हैं सब कुछ, ये सारा का सारा एक एक आपके अंदर का विषय है। ये बाहर का कुरुक्षेत्र नहीं है, ये अंदर का कुरुक्षेत्र है जिसमें युद्ध चल रहा है। वैश्य कौन है? जिन्होंने भजन इकट्ठा कर लिया। क्षत्रिय कौन है? जो भजन की रक्षा कर रहा है। ब्राह्मण कौन है? जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म का अनुभव कर लिया। आप इन चीजों को तो सोचते नहीं, बस फंस जाते हैं और इसी जाति के चक्कर में हमारा धर्म कमजोर होता जाता है। लोग फायदा उठाते हैं, आप टूटते जाते हो, वो मजबूत होते जाते हैं। आपके साथ में ही धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, आप देखने तक नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप जातियों के नाम लेते हो, आपको जातियों के नाम ज्यादा याद हैं। संतों के ऊपर भी जातियां लिख दी गई, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये संतों की जो जातियां नहीं होती, संत जातियों से परे होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो आप साधु की जात कैसे पूछ सकते हैं, कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ब्रह्म उसने पा लिया, भजन कर रहा है, भजन की रक्षा कर रहा है, कौन सी चारों में से एक स्थिति में है। और जब संत हो जाता है वो पूर्ण हो जाता है, उसे खोना और पाना शेष कुछ नहीं रहता, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई भी वस्तु संसार में उसके लिए होती नहीं जिसको वो प्राप्त न कर सके, जो उसे प्राप्त ना हुई हो। तो आप इन चीजों से बाहर निकल के ध्यान करते हुए, सब भाइयों को एक साथ लेकर के चलते हुए, और इन चीजों को उनको भी समझाने का प्रयास करें, खुद भी समझने का प्रयास करें, और सब समझ समझ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो ही हमारा ये परिवार बहुत मजबूत और इन आडंबरों से बाहर निकल करके मजबूती की ओर बढ़ेगा।